लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अलर्ट कुलन मानसून की दस्तक के साथ ही अब मंडराने लग गया है यह बड़ा खतरा, बरते ये सावधानी पाली। जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही सर्पदंश के मामले सामने आना शुरू हो गए हैं। बरसात के बाद जमीन में बढ़ी नमी के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकला शुरू हो गए हैं। सुरक्षित स्थान ढूंढने के चक्कर में सांप लोगों के घरों व अन्य इंसानी चहल पहल वाले स्थानों में छिप रहे हैं। इस दौरान कई बार यह सांप लोगों को डंस भी देते हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को बांता गांव में सामने आया है। गुरुवार को बांता गांव के आईदान जी की ढीमडी में रहने वाले किसान नारायण लाल सिरवी को सांप ने डस लिया। इससे नारायण लाल की मौत हो गई। सांप नारायण लाल के ट्रैक्टर में छिपा हुआ था। चिकित्सकों ने बताया कि बरसात की इस सीजन में सर्पदंश के मामले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर्पदंश में अंधविश्वास बनता है मौत का कारण। चिकित्सकों ने बताया कि सर्पदंश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता है। जिले में सर्पदंश के मामले सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आते हैं। ग्रामीण लोग आज भी सांप के डंसने के बाद अस्पताल जाने के बजाय देवताओं के थान पर बैठने वाले भूपों के पास जाते हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने पर मरीज की स्थिति बिगड़ने के बाद उसे परिजन अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर मरीज को नहीं बचा पाते। जिले में 10 प्रजातियां, 4 ज्यादा खतरनाक। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले में सांप की 10 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से 4 प्रजाति काफी खतरनाक है। अधिकारियों ने अनुसार पाली में कोबरा, नाग, पड व सॉस्केल स्नेक काफी खतरनाक है। इनके डसने के बाद समय पर उपचार नहीं मिलने पर मौत हो सकती है। सांप काटने पर घबराएं नहीं, चिकित्सक सलाह देते हैं कि सर्प दंश की घटना के बाद पीड़ित को घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति के घबराने से उसके खून का प्रवाह तेज हो जाता है। सांप का जहर तेजी से उसके शरीर में फैलता है। ऐसे में पीड़ित को जल्द से जल्द इलाज मुहैया करवाना चाहिए। खतरा समझ काटते हैं सांप। मारवाड़ व मेवाड़ क्षेत्र में सांपों के जीवन काल पर रिसर्च कर रहे वन्य जीव विशेषज्ञ पद्म सिंह राठौड़ ने बताया कि वन्य जीवों में सांप सबसे ज्यादा शर्मिला व डरने वाला जीव है। यह आलसी प्रवृत्ति का होने के कारण सीधे तौर पर यह किसी के लिए खतरा नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में लोगों द्वारा गलती से सांप पर पैर रखने व उसे पकड़ लेने के कारण ही सांप काटने की बात सामने आई है।